वजीर आजम की माविन खुसूसी बराए ओवरसीज पाकिस्तानी जुल्फी बुखारी ने एम्प्लॉयज ओल्ड एज बेनिफिट्स इंस्टीट्यूशंस पेंशन में 2000 रुपए इजाफे का ऐलान करते हुए कहा के EOBI पेंशन 65,000 से 85,000 कर दी है। वजीर आजम इमरान खान ने वजीर इत्तला'आत पंजाब फैजुल हुसैन चौहान को फोन करके उनकी खैरियत दरियाफ्त की और उनकी फहम और फरासत की तारीफ की। रवां साल भी खवातीन को हरासा करने के वाकयात में कमी ना आ सकी। वफाकी तहकीकाती एजेंसी को खवातीन की हरासा करने से मुतालिक 7,000 से ज़ायद शिकायात मौसूल हुई। वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि भारत मोदी की क्यादत में हिंदू बालादस्ती की तरफ बढ़ रहा है। मोदी के हिंदू बालादस्ती के एजेंडे से जंग और खून खराबे का खतरा है। गवर्नर पंजाब सर्वा का कहना है कि यूरोप के दौरे के दौरान मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम को आलमी सतह पर उठाया। गवर्नर पंजाब का कहना था कि पाकिस्तान को इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज माशी है, जल्द मौसी चैलेंज से छुटकारा हासिल कर लेंगे। अगले साल करंट अकाउंट्स खसारा 18 अरब से 1.5 अरब पर आ जाएगा। तर्जमान दफ्तर ख्वाजा डॉक्टर मोहम्मद फैसल का कहना है कि शहरियत के तनाजा बिल से भारत का चेहरा सामने आ गया है। इन द इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर एंड द प्लाइट ऑफ द कश्मीरी पीपल इन द फेस ऑफ इनह्यूमन लॉकडाउन since India's illegal and unilateral actions of 5th of August. Moreover, the latest legislation by Indian Lok Sabha and now passed by Rajya Sabha also that offers Indian nationality to the nationals of Pakistan and two other South Asian countries except Muslims is premised on a falsehood and is in complete violation of the Universal Declaration of Human Rights and the international covenants on elimination of all forms of discrimination based on religion or belief. साउथ क्वींस फेरी से ताल्लुक रखने वाले एक 15 साल के लड़के को बर्तानिया की सबसे मारूफ यूनिवर्सिटी की जानिब से डॉक्टरेट की तालीम हासिल करने की पेशकश की गई है। बैरून मुल्क छुपाई गई दौलत वापस लाने में अहम पेश रफ सामने आई। स्विस हुकूमत की पाकिस्तान को बैंक्स में मौजूद रकम की मालूमात देने की मंजूरी दे दी है। स्विस अखबार का कहना है कि स्विट्जरलैंड पाकिस्तानियों के अकाउंट समेत 18 ममालिक को मालूमात फराहम करेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कॉलेज कैंपसेस में यहूदियों की मुखालिफत और इसराइल का बायकॉट रोकने के लिए नया सदारती हुक्मनामा जारी करके